नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 6 सालों में 4 गुना बढ़ी रोजगार मांगने वालों की संख्या। धारा 144 के तहत राजधानी में 10:45 के बाद स्कूलों में नहीं दिखेंगे बच्चे। मई और जून में बड़े पैमाने पर अतिक्रमित जमीन पर चलेगा बुलडोजर। CBSE पाठ्यक्रम में हुए बदलाव, बिहार में नहीं किया जाएगा लागू। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने को तैयार इस सैन्य हवाई अड्डे का निर्माण जल्द होगा शुरू। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 6 सालों में 4 गुना बढ़ी रोजगार मांगने वालों की संख्या। इस बात को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकते कि बिहार में बेरोजगारी दर बढ़ी है, और इसका प्रमाण NCS पोर्टल पर आवेदन करने वाले आवेदकों द्वारा मालूम हो जाता है। मालूम हो कि बेरोजगारों के लिए ऑनलाइन निबंधन की सुविधा NCS पोर्टल पर 2015-16 से मिली हुई है। यहां वो सभी लोग निबंधन करा सकते हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। 2015-16 की बात करें तो उस समय निबंधन करने वाले बेरोजगारों की संख्या महज 5,152 थी। वहीं अब 2021-22 में इनकी संख्या बढ़कर 3,05,683 हो गई है। हालांकि इस बात को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि इतने सालों में जनसंख्या में इजाफा भी हुआ है, और साथ ही कोरोना महामारी की वजह से बेरोजगारी भी बढ़ी है। धारा 144 के तहत राजधानी में 10:45 के बाद स्कूलों में नहीं दिखेंगे बच्चे। प्रदेश भर में गर्मी ने लोगों का हाल खराब कर दिया है। राजधानी पटना की बात करें तो बीते दिन पारा 45 डिग्री से ऊपर चला गया। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिले के सभी विद्यालयों में सुबह 10:45 के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने ये आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत दिया है। जिले में अधिक तापमान और विशेष रूप से दोपहर के समय भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए ये आदेश दिया गया है। मई और जून में बड़े पैमाने पर अतिक्रमित जमीन पर चलेगा बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अब अतिक्रमण करने वाले लोगों की खैर नहीं होने वाली है। अतिक्रमण करके लाभ उठा रहे उन सभी जमीनों पर सरकार का बुलडोजर चलने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल अब धीरे धीरे देश के अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय हो रहा है, और अब यही मॉडल बिहार सरकार भी अपनाने जा रही है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत रॉय ने कहा है कि जितने भी अतिक्रमणकारी हैं, जो सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लेकर बड़े बड़े महल बनाने में लगे हुए हैं, चाहे इन मामलों में निचली अदालत से फैसला आया हो या फिर ऊपरी अदालत से, उन सब पर बुलडोजर चलेगा। कोई भी गलतफहमी में ना रहे, इसकी पूरी योजना तैयार है और मई और जून में बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलेगा। बिहार के रेशमी शहर में नहीं होगी रोजगार की कमी। 2020 में आए कोरोना लहर के बाद बिहार के लोग भी रोजगार के लिए खूब भटके हैं, और अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जो भटक ही रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा आश्वासन देना कि रोजगार की कमी नहीं होगी, बिहारवासियों को सौगात जैसा लगता है। इसी क्रम में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बीते दिन एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मेरी पूरी कोशिश है कि रेशमी शहर भागलपुर को उद्योगों का जाल बिछा दिया जाएगा, जहां से लोग को कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही काम करके अपना गुजर बसर वो कर सकेंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री ने सफल उद्यमियों को शील्ड और प्रमाण पत्र दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे। CBSE पाठ्यक्रम में हुए बदलाव, बिहार में नहीं किया जाएगा लागू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं, 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में बदलाव को बिहार नहीं मानेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री ने साफ तौर पर यह बात कह दी है। दरअसल CBSE ने पाठ्यक्रम में नए बदलाव में मशहूर शायर फैज की 2 नज़्में और मुगल कोर्ट जैसे पुराने चैप्टर को सिलेबस से बाहर कर दिया है, जिसे बिहार का शिक्षा बोर्ड लागू करने से साफ इनकार कर चुका है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने नए बदलाव को लेकर कहा कि मुगल शासनकाल इतिहास का अभिभाज्य हिस्सा है, इसे निकालने का कोई मतलब नहीं और इसकी जानकारी सभी लोगों को दी जानी चाहिए। वकीलों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। बिहार लैंड ट्रिब्यूनल BLT के लिए विशेष सरकारी वकील और 25 अपर सरकारी वकील के नियुक्ति समेत अन्य विभाग तथा 2 विशेष सरकारी वकीलों और 25 अपर सरकारी वकीलों की नियुक्ति आरक्षण के आधार पर की गई थी। राज्य सरकार ने यह विज्ञापन 2 जनवरी 2021 को जारी किया था। इसी विज्ञापन को राजस्व विभाग के विशेष सचिव द्वारा चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब तलब किया है और पूछा है कि किस नियम के तहत आरक्षण का लाभ देते हुए उक्त नियुक्तियों को किया गया है। इस नियुक्ति के लिए कोई आरक्षण का नियम नहीं है और न ही कोई सर्च कमेटी और चयन कमेटी है, और अब इस मामले पर सुनवाई 6 सप्ताह बाद की जाएगी। कहीं बारिश तो कहीं हीट वेव को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार के दक्षिणी और उत्तरी इलाकों का मौसम बिल्कुल अलग है, और हर तरफ दक्षिणी बिहार में हीट वेव और
हाई अलर्ट जारी है। वहीं उत्तर बिहार में लोग झमाझम बारिश का आनंद लेंगे। जी हां, मौसम विभाग ने पटना, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, बांका, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण जिले में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में 26 और 27 अप्रैल को हीट वेव रहेगा। वहीं बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल और औरंगाबाद में 28 अप्रैल को भी हीट वेव का अलर्ट है। इसके उलट 29 अप्रैल को उत्तर बिहार के 5 जिले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और सुपौल में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया है। 28 अप्रैल से शुरू होंगे हाईस्कूल प्लस टू शिक्षकों के नियोजन के लिए आवेदन। हाईस्कूल प्लस टू शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया का स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की रुकी हुई छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया अब संपन्न होगी। इसको लेकर 28 अप्रैल से 27 मई तक आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद 27 और 28 जुलाई को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इन शिक्षकों की नियुक्ति करीब 2.5 महीने से रुकी हुई थी। ऐसे में अब इंतजार कर रहे शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवार 28 अप्रैल से आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों पर फिर से बढ़ा लोड। 12वीं में 30 और 10वीं में 25 नए टॉपिकों की होगी पढ़ाई। सीबीएसई ने नए सत्र से 9वीं से 12वीं तक के सिलेबस में बदलाव किया है। ऐसे में ये जानना विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए अहम हो जाता है कि आखिर सिलेबस में क्या बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि सीबीएसई 9वीं और 12वीं तक के छात्रों को सभी विषयों में ज्यादा पढ़ाई करनी होगी। 12वीं में 30 और 10वीं में 25 नए टॉपिक जोड़े गए हैं। 12वीं के गणित विषय में प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मीन टॉपिक को जोड़ा गया है। 10वीं गणित में पजल्ड को टॉपिक के तौर पर शामिल किया गया है। नए टॉपिक की पढ़ाई इसी सत्र से होगी। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के कारण 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम को कम भी कर दिया गया था। अब उसे फिर से लागू कर दिया गया है। ये जानकारी संक्षिप्त है। विशेष जानकारी के लिए आप सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। खान निरीक्षक भर्ती 2021 के लिए 10 और 11 मई को होगी परीक्षा। बीएसएससी ने खान निरीक्षक भर्ती से जुड़ा महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार खान निरीक्षक भर्ती 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि परीक्षा 10 और 11 मई 2022 को होगी। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जल्द ही आयोग की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को ये सलाह दी जाती है कि ये संक्षिप्त जानकारी है। विशेष जानकारी के लिए और खान निरीक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी अपडेट और एडमिट कार्ड के लिए आयोग की वेबसाइट पर विजिट करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने को तैयार इस सैन्य हवाई अड्डे का निर्माण जल्द होगा शुरू। पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डा के लिए दूसरे चरण में 45 रैयतों से 35 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद अब 52 एकड़ जमीन की अधिग्रहण की प्रक्रिया संपन्न हुई है और इसी के साथ अब पूर्णिया के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान का रास्ता भी खुल गया है। और अब जिलाधिकारी राहुल कुमार के मुताबिक राजस्व और भूमि सुधार विभाग की स्वीकृति मिल गई है। सिविल एविएशन डायरेक्टरेट को जमीन हैंडओवर भी कर दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली पूर्णिया सैन्य हवाई अड्डा का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। पारिवारिक झगड़े में मां राबड़ी देवी तेज प्रताप के साथ है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के कलह किसी से छुपी हुई नहीं है। रोज कोई ना कोई वाक्य देखने को जरूर मिलता ही रहता है। अब इसी बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने राजद से इस्तीफा देने का फैसला लिया है। ये बात खुद तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए कही है। राजद के यूथ विंग के नेता रामराज की तरफ से मारपीट के बाद उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मैं जल्द अपने पिता से मिलकर इस्तीफा दूंगा। और इस ट्वीट के कुछ समय बाद उन्होंने फेसबुक पर मां राबड़ी देवी के साथ फोटो पोस्ट की जिसमें मां प्यार से उनका सिर सहलाती हुई दिख रही है। राजनीति विशेषज्ञों की माने तो इस तस्वीर से यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि इस पारिवारिक झगड़े में मां उनके साथ है। हालांकि अभी तक राबड़ी लालू या तेजस्वी का रुख सामने नहीं आया है। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा 2025 तक नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री। बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर कार्यकाल पूरा करने से पहले सत्ता छोड़ने के अटकलें कब अभी भी तेज हैं। हालांकि एनडीए में शामिल नेता इन बातों से इनकार कर रहे हैं। यही वजह है कि कभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल तो कभी सुशील मोदी को सामने आकर कहना पड़ता है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं और वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। और कहे भी क्यों नहीं, कहीं ना कहीं भाजपा को लगता है कि इसी अटकलों की वजह से बोचहा चुनाव हार गए। ये बात खुद सुशील मोदी ने ट्वीट कर कही। सुशील मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को लेकर निराधार अटकलेबाजी जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस शरारत का कुछ असर विधानसभा के बोचहा उपचुनाव पर भी पड़ा होगा। उन्होंने आगे कहा कि जब एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने का जनादेश 2025 तक के लिए है तब किसी किंतु परंतु के साथ बीच में बदलाव का कोई सवाल ही नहीं है। बालू के बाद अब मिट्टी की अवैध खनन से सरकार हुई परेशान। बालू तस्करी के बाद अब मिट्टी की तस्करी से तस्कर अपना हाथ साफ कर रहे हैं। जी हां, सीमांचल से सटे बिहार के इलाके में मिट्टी तस्करों से लोग परेशान हो गए हैं। कई जगह शिकायत करने पर भी
कोई काम नहीं हो रहा है, ठोस निदान भी नहीं मिल रहा। ऐसे में खासकर महानंदा नदी से जुड़े बाढ़ के जद वाले इलाके में लोग ज्यादा परेशान हैं। खबर बलरामपुर प्रखंड के सुधानी नदी से जुड़े शरीफ नगर पंचायत के चिल्हापारा इलाके की है, जहां मिट्टी माफिया बगैर रोकटोक के सरकारी जमीन से 6 से 7 फीट गड्ढा खोदकर मिट्टी लेकर बंगाल बेच रहे हैं। हालांकि अब इस मामले पर बिहार सरकार के उपमुख्यमंत्री इसे गंभीर विषय बताते हुए प्रशासन को इस बारे में विशेष निर्देश देते हुए इस मामले पर अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दे चुके हैं। वसीम जाफर ने लिए ऋषि धवन के हेड प्रोटेक्शन के मजे। बीते दिन आईपीएल का 38वां मुकाबला खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स को पंजाब किंग्स ने 11 रनों से हरा दिया। इस मैच में पंजाब के तेज गेंदबाज ऋषि धवन भी लाइमलाइट में गए और वो हेड प्रोटेक्शन के साथ मैदान में उतरे। इसके बाद धवन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगी। सीएसके के अंबाती रायडू ने धवन की गेंदों पर खूब रन बटोरे और इसी को लेकर वसीम जाफर ने एक ऐसा ट्वीट किया जो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल जाफर ने धवन की फोटो शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, रायडू आज की रात और एग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं, ऋषि धवन के चश्मे ने उन्हें कुछ और याद दिला दिया होगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सलीम भाई, कुश कुमार यादव, देवेंद्र कुमार, महेश दास, नुनू कुमार, लक्ष्मण कुमार, कौशलेंद्र कुमार, राजीव कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सीबीएसई पाठ्यक्रम से मशहूर शायर फैज के नज्म और मुगल कोर्ट जैसे पुराने चैप्टर को सिलेबस से बाहर करना क्या उचित है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।